और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चोखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना, क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। मॉल में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। विदेश में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिल्म देखने जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। गलत काम करोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे। तुम मदिरा पीने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। गलत काम करने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। टाकीज में फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। तुम गलत काम करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरु जी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है। आप गलत काम करो, कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे। अच्छा है, खूब पी और पी। तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा। और पी और पी और पी। ये दुनिया है।